कैरेक्टर है जो इंडियन के ऐसा 40 या फुल कैसे संगवारी हो जय हिंद जय जोहर जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो तो आप सब बढ़िया तो आज हमें तो आज का एक्सपेरिमेंट है स्पीडोमीटर ओडोमीटर ये दो टू टाइप्स के होते हैं एक डिजिटल और एक मैकेनिज्म तो ये मैकेनिज्म टाइप का स्पीडोमीटर है ये बाइक कार मोटरसाइकिल में लगा होता है तो इसका कार्य वही है कि स्पीड या दूरी को गणना करते हैं बस ये अलग अलग टाइप बाइक के हिसाब से इसका उपयोग होता है अगर अलग बाइक को लगा दिया जाए तो इसका गणना गलत बता सकता है लाया तो हम इसका सर्विस एक्सपेरिमेंट करेंगे ये कार्य कैसे करता है जो बाइक है उसके टायर पे ये टायर के रिंग पे जो रिंग पे एक वायर लगा रहता है जो यहाँ इससे कनेक्ट रहता है इससे कनेक्ट रहता है दिखा देता हूँ तो जब ये घूमता है ना ये रिंग देखो देखो ये घूमता है तब ये कांटा है ये घूमता है पूरे नहीं घूमता रीडिंग के लिए घूमता है ये कि पता चले कि लौंडा कितने स्पीड में बाइक चला रहा है इसीलिए इसके लौंडा कितने स्पीड में बाइक चला रहा है पता करने के लिए घूमता है ऐसे तो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा है और ये स्टील तांबे का और मेटल हो गया और यहाँ पे गियर लगा हुआ है ये देखो जो रीडिंग है ऑडोमीटर है ये और ये रीडिंग स्पीडोमीटर तो यहाँ पे छवि दिया हुआ है अंकन का जो स्पीड का पता लगाता है ऐसे घूमता है तो हम इसको प्रैक्टिकली ही दिखाते हैं कि यहाँ पे केबल लगा रहता है तो केबल और टायर के बीच कनेक्शन जुड़ा रहता है इसमें इसी जो ऐसे घूमता है इस प्रकार जब कांटे को मूव हो रहा है ना यही तो हम इसको एक्सपेरिमेंट कर लें तो हमारे लिए एक पेन है और एक मोटर पेन और मोटर को दोनों को इस तरह कनेक्ट करेंगे देखते हैं इसका पॉइंट बढ़ता है या जीरो हम इसको पहले जीरो करेंगे टोटल जीरो उसके बाद तो हम इसको फिट करेंगे फिट करने के लिए इसको आग में तक खोलेंगे हमारे पास तो लाइटर है है स्पीडोमीटर अगर यहाँ पे केबल लगा रहता है ये जब ये घूमता है देखो घूम रहा है जब ये एंटी क्लॉक वाइज घूमता है घड़ी की दिशा में तो कार्य करता है एंटी क्लॉक वाइज नहीं घूमता क्योंकि बाइक को रिवर्स घूमेगा तो रीडिंग का टायर रीडिंग नहीं होगा क्लॉक वाइज आगे फ्रंट वाइज घूमेगा तभी रीडिंग होगा बताएगा जब घूम रहा है जितना स्पीड घूमेगा उतना ही जो अंक है वो बढ़ेगा तो इसमें हमें रहता है ये देखो रिंग है एलमुनियम का और यहाँ पे रिंग है एलमुनियम का जो ये घूमता है ना तब यहाँ पे तांबे का ये घूमता है ये कांटे से जुड़ा हुआ है ये देखो ये घूमता है ये पूरा टोटल ऑल टोटल नहीं घूमता सिर्फ रीडिंग के लिए घूमता है जानना रीडिंग है आल टोटल घूमेगा तो यहाँ पे इसको घूमने के लिए यहाँ पे स्टॉप का स्टॉप है यहाँ ये देखो यहाँ पे स्टॉप है नहीं घूमता हम आज इसका और ऑडोमीटर के अंदर का जहाँ गियर है ये काट ये जो है ना ये मीटर जो प्रिंट किया हुआ है वो ये ऑडोमीटर के अंतर्गत आता है तो ऑडोमीटर का कार्य इस प्रकार जो गियर है तो इससे टच कनेक्टेड है तो गियर है घूमता है ना तब ये जितना गियर इस घूमेगा तो उतना ही कांटे अपने आगे की ओर बढ़ेगा
तो आज हम इसको पेटी का ही दिखाएंगे आपको कि कार्य करता है। हम उसके लिए लाएंगे हमारा पेन, एक पेन जो लिखने को पड़ा, ठीक है। तो पेन इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और एक मोटर, जो डीसी मोटर सिंपल से चेक करेंगे कि ना करेगा। तो हम इसको लगा देते हैं, लाइटर है, इसको निकाल देंगे। ऐसे करके तो हमने कनेक्शन कर लिए हैं, जोड़ दिए हैं पेन से, वर्क करते हैं। इसी प्रकार केबल के जरिए टायर में लगा रहता है। कांटा घूम रहा है, अच्छे से देखो भाई, कांटा घूम रहा है। इतना स्पीड, इतना स्पीड में उतना ही फिर कांटा बताएगा। ये मोटर जो स्पीड इंजन का है वो बाइक की हिसाब से सेटिंग रहता है, एवरेज की हिसाब से सेटिंग रहता है। कोई भी बाइक में डला दे काम नहीं करता अच्छे से, मतलब ठीक वर्क नहीं करेगा। जितना ये अपने स्प्लेंडर में काम कर रहा है उतना दूसरे बाइक में काम नहीं करेगा। ये रीडिंग भी हो रहा है, आंकड़ा भी बता रहा है कि देखो अच्छे से आंकड़ा भी बता रहा है, दिख रहा है। तो हम इसको जीरो जीरो करेंगे, टोटल जीरो। अभी इसको क्लॉक वाइज घूम रहा है तो आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे, आंकड़ा कम हो गया, पता चल गया। तो अच्छे भाई, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर शेयर कर देना, ठीक है। हो सके तो लाल वाला बटन दिख रहा है उसको आप शॉर्ट शॉर्ट की दो या कुछ भी करो, लाल दो टच होना चाहिए बस। इतना ढीला करने में मजा आ रहा है भाई, डी 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 डी। अरे गर्म हो रहा है मोटर पे, चल तो नहीं रहा है। अब हाँ स्पीड बढ़ा रहे, स्पीड बढ़ा कम कर यार, दस आओ के स्पीड चल बेटा, भाग 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 भाग, लौंडा चला रहा है भाई। सौ के 140 में जाएगा, 140 में स्पीड बढ़ाएंगे,
20 30 40 60 70 80 अबे 120 हो गया कम ना बढ़ेगा नहीं बे ठीक 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 मोटर गर्म हो गया गर्म हो गया मोटर ये मोटर है जो इंजन क्या ऐसा 40 या फुल स्पीड में भाग रहा है हमारा गाड़ी स्प्लेंडर डग 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 कभी चलाए होगा बड़ा मोटर फुल गर्म हो गया फुल स्पीड में देखो मजा आ रहा है चलाने में फुल स्पीड कभी नहीं चलाया अभी चला रहा हूँ भाई स्प्लेंडर भाई हर किसी बाइक में नहीं है फिट नहीं होगा तो मजा ना है मजा आया है भाई तो ये क्लॉक वाइज में आंकड़ा आगे की ओर बढ़ता है एंटी क्लॉक में तो हम इसको एंटी क्लॉक वाइज बढ़ाएंगे कि कांटा घूमता है या आंकड़ा कम होता है ठीक है अरे गर्म हो गया गर्म हो गया है अबे व्हील के हिसाब से इसका रीडिंग होता है जितना छोटा बड़ा या मोटरसाइकिल के रिंग तो टायर है वो बड़ा रहता है वो कार का छोटा तो कार के हिसाब से मोटर रिंग के हिसाब से जितना ये राउंड होगा उतना हिसाब उतने के हिसाब से रीडिंग होगा अलग अलग बाइक स्कूटी वगैरह में अलग अलग मीटर का इस्तेमाल कर मीटर एक ही स्पीड है मीटर अलग अलग सेटिंग रहता है बस यही खास है देखो मेरे को तो मजा आया चलाने में तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर घंटा को बजा देना वीडियो अंत लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ इंकलाब जिंदाबाद